नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आईबीएन 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। और आज हम बात करेंगे कि मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे राजनीतिक विरोधियों की। एक तरफ जहां बिहार में बीजेपी को टक्कर देने के लिए लालू नीतीश ने 20 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म कर एक दूसरे को गले लगा लिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 20 साल से एक दूसरे को चुनौती देते आ रहे मुलायम और मायावती को साथ लाने की भी अब बात हो रही है। मुलायम जरूर तैयार है, लेकिन मायावती ने फिलहाल उनकी दोस्ती कबूल करने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। ऐसे में आगे क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। आज प्रश्नकाल में यही है चर्चा का विषय, मोदी के खिलाफ मुलायम माया गठबंधन की कोशिश। और इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल, मोदी के खिलाफ कट्टर दुश्मनों का गठबंधन, क्या ये एक मौका परस्ती है? तो इस विषय पर हमें दिन भर आपकी राय और सवाल मिले हैं, हम प्रश्नकाल में इन्हें शामिल करेंगे। आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं, मैसेज करें PKP SY अगर आपका जवाब हाँ है, और अगर आप नहीं में जवाब देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए PKP SN और भेज दीजिए इसे 51818 पर। तो आपकी राय को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज इस समारोह के माध्यम से मायावती और माननीय मुलायम सिंह से अपील है कि आप जल्दी आप लोग ही महागठबंधन करिए। लालू की इस ललकार के बाद सबको इंतजार था मुलायम और मायावती के जवाब का। सियासी गलियारे में सवाल पूछे जाने लगे कि जिस तरह मोदी के डर से लालू और नीतीश डेढ़ दशक की दुश्मनी भुलाकर गले मिले, क्या माया और मुलायम भी एक हो सकते हैं? एक दिन बाद ही मुलायम की तरफ से जवाब आया, संकेत सकारात्मक था। अगर लालू माया का हाथ पकड़ के ले आए तो मैं हाथ मिलाने को तैयार हूँ। मुलायम की इस प्रतिक्रिया के बाद सियासी माहौल में सरगर्मी बढ़ गई। RJD और JDU दोनों ने मुलायम के इस बयान का स्वागत किया। शरद यादव तो यहाँ तक कह गए कि बिहार में जो हुआ उसका विस्तार देश भर में होगा। कांग्रेस ने भी विपक्ष की एकता का राग अलापा, लेकिन लालू के प्रस्ताव और मुलायम की बातों पर मायावती ने एक झटके में पानी फेर दिया। माया ने 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र छेड़कर साफ कर दिया कि वो 19 साल पुराने अपमान को आज भी भूली नहीं है। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया, तो यदि यही हमला श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के साथ तो हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जानकारों की माने तो मुलायम से परहेज के पीछे 19 साल पुरानी दुश्मनी ही नहीं, वजह हेट सियासी है। प्रश्नकाल में चर्चा आज इसी बात पर, क्या सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर दो कट्टर दुश्मनों के बीच हुई दोस्ती टिक सकती है? क्या ये मौका परस्ती की सियासत नहीं है? देखिए प्रश्नकाल। और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से हमारे साथ हैं BSP के नेता सुधींद्र भदौरिया, लखनऊ से हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी साहिब सिंह, BJP के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और गुड़गांव से हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर पुष्पेश पांत। आप सभी का स्वागत है इस शो में, लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों के राय और सवालों को शामिल करेंगे। पटना से एडवोकेट संजय शर्मा ने सवाल किया है, सुनते हैं उनका सवाल। मोदी के खिलाफ एक जमात की तैयारी है, इसको गठबंधन माना जाए या गठबंधन, आखिर यह गठबंधन कितने दिनों तक चलेगी? उधर जमशेदपुर से MS आलम ने फोन करके आज के विषय पर अपनी बात कही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में BJP ने असर दिखाया है, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनका सफाया होता दिख रहा है। अगर क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट नहीं होंगी तो वो देश में साफ हो जाएंगी। क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए एकजुट हो रही हैं ताकि वो अपने वर्चस्व को कायम रख सके। ये कायम रखना जो है ये वक्त का तकाजा है। और फेसबुक पर अमरीश कुमार ने लिखा है कि BSP SP और कांग्रेस का राज उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है और ये गठबंधन सफल नहीं होगा। सबसे पहले सुधींद्र भदौरिया जी, अगर आपसे मैं शुरू कर सकूं, आप हालांकि आपकी नेता ने साफ कर दिया है कि भाई ये मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या एक नरेंद्र मोदी की शख्सियत को या उनकी पार्टी को दूर रखने के लिए आगे किसी तरह के अल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे आप लोग? देखिए, जब मुलायम सिंह जी ने ये प्रस्ताव रखा और अपनी बेताबी दिखाई कि किस तरह से जब उत्तर प्रदेश में वो हाशिए पे जा रहे हैं, रोज के दिन लगातार बलात्कार, हत्याएं, कम्युनल राइट्स, इस किस्म के
जो इतिहास में कभी नहीं हुए, मुजफ्फरनगर जैसे एक एक लाख लोग बेघर हो गए, तो जब वो सिफर होते चले जा रहे हैं तो वो सहयोग मांग रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो बहन मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है, क्या हम जो राजनीति में हैं किसी नीति सिद्धांत और कार्यक्रम को लेकर हैं? इन्होंने बहन मायावती जी पर 19 वर्ष पहले हमला तो किया ही किया, और इन्होंने आए दिन जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, आज आप इटावा जनपद में जाइए जहां से मुलायम सिंह जी हैं, वहां के ग्राम मलाजनी के अंदर इन्होंने एक दलितों की लड़की को, इनके प्रशासन वहां चुपचाप बैठा रहा, जला दिया इनके लोगों ने, वो उसका देहास्वान हो गया। मैं कहना चाहता हूं, आए दिन उत्तर प्रदेश में सामूहिक बलात्कार, तो जब हम ये सामूहिक बलात्कार देख रहे हैं, कम्युनल राइट्स देख रहे हैं, तो हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनके सम्मान के लिए लड़ते हैं, उनके सम्मान के लिए राजनीति करते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति जो अवसरवादी हैं और जो हमेशा के लिए उनका पहचान है कि वो खाली नाम जरूर लेते हैं मुल्ला मुलायम का, लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए, पर वो सबसे ज्यादा कम्युनल राइट, अभी 2.5 वर्षों के अंदर 850 कम्युनल राइट हो चुके हैं। किस तरह आप, के ये आप कह रहे हैं कि ये मुलायम नेताजी जो हैं अवसरवाद हैं। चौधरी साहिब सिंह जी, भले ही आप नेताजी कहे कि हम चुनावों में अकेले जाएंगे, लेकिन क्या एक ट्रायल बलून फ्लोट करने की कोशिश की? क्या उन्हें लग रहा है कि उनकी जमीन तले जो है, पांव तले जमीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए दूसरे लोगों के साथ गठबंधन की जरूरत पड़ेगी उन्हें? देखिए, ऐसा है जो सुदीन भदौरिया जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात पर पूरे तरीके से आपत्ति करता हूं। जहां तक सवाल इस बात का, ना समाजवादी पार्टी को किसी गठबंधन की आवश्यकता है, ना समाजवादी पार्टी किसी की जरूरत है। और जहां तक सवाल है, ये सवाल लालू जी ने उठाया था कि लालू जी ने कहा था कि बिहार में उन्होंने समझौता उनका हो गया है, नीतीश का लालू का हो गया, कांग्रेस से मिलकर उन्होंने एक गठबंधन बना लिया है, तो लालू ने ये बात कही थी। तो लालू ने बात कही तो मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि भाई चलिए ठीक है, यदि आप लोग जो है इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, और मायावती की और सपा की आपने बात करी, मायावती को आप लोग ले आएंगे तो हम भी इस पर सोच लेंगे। कभी कभी ऐसे राजनीति में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, आप लोग ध्यान होगा 1977। चौधरी साहिब सिंह जी, नेताजी बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो ऐसे वैसे कोई भी बात नहीं करते हैं, उन्हें पता है कि सारी बातों के साथ में जो है उसे कैसे रीड इन किया जाएगा। अरे तो नेताजी ने साफ कह दिया समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, नेताजी का बयान आपने देख लिया होगा, नेताजी ने कह दिया है। सर ये तो ऐसे आफ्टर इफेक्ट कहा ना, और सवाल ये साहिब जी सिंह जी, ये तो ऐसे आफ्टर इफेक्ट कहा ना, जब मायावती जी ने कह दिया कि भाई ये मुमकिन ही नहीं है, तब नेताजी ऐसा कहने लगे हैं, मतलब ट्रायल बलून तो कहीं फ्लोट किया होगा। देखिए ऐसा, आप हमारी बात सुनिए, मायावती जी क्या कहती है, क्या कह दिया मायावती जी, मायावती की बातों पर जाने की जरूरत नहीं है। अरे मायावती किस स्तर से, किस मामले में, किसके सहारे से, किन शक्तियों की वजह से वो यहाँ तक आई है और आज वो बड़ी बड़ी बात कर रही है, तो इस बात पर मैं जाना नहीं चाहता, इस बहस को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल इस बात का है। साहिब जी, मुझे लगता है आप लोग निजी आक्षेप ना लगाएं नेताओं पर यहाँ। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, राजनीति में हम कहते हैं कि ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, अगर लालू और नीतीश एक मंच पर आ सकते हैं, क्या मुमकिन है कि सपा और बसपा एक साथ आए, या फिर जिन रिश्तों में हम गेस्ट हाउस कांड की बात करते हैं उसकी पृष्ठभूमि में, वहां यह मुमकिन है ही नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अक्सर हम गलती ये करते हैं कि कुछ मुहावरों और चुस्त फिक्रों के चक्कर में विश्लेषण को बर्बाद कर देते हैं। ये सच है कि पुरानी कहावत है कि राजनीति में न कोई शाश्वत मित्र होता है न सनातन शत्रु होता है, मगर उसी तरह की पुरानी कहावत और है कि रेशम की डोरी अगर टूट जाए तो गांठ लगने के बाद वो जुड़ती नहीं है। तो अब नीतीश और लालू साथ आ जरूर गए हैं कि किस्मत ने अगर मिला दिया बिछड़े हुओं को, तो ये नहीं कि वो आगे चलते भी रहेंगे, और ये भी संभव है कि वोटर उनको आगे चलकर रुला भी दे। और मुझे लगता है कि लालू जी ने जो अनधिकार चेष्टा की बिहार से अपना हस्तक्षेप करने की उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो उनको ही नहीं मुलायम सिंह जी को भी भारी पड़ गया। वो एक तीसरा मुहावरा है कि कर्कवे उड़ाए जाते हैं, बैलून उड़ाए जाते हैं राजनीति में। अब जैसा आपने कहा, नेताजी मजे खिलाड़ी हैं, मगर इस बार अपना ही माजा उनका हाथ काट गया है कि उन्होंने वो जो तकलीफी पकड़ा दी थी लालू के हाथ। और ये बात सिर्फ 19 वर्ष पुराने अपमान की नहीं है, सदियों पुराने उस रिश्ते की है जिसमें तगड़े पिछड़े और तगड़े सवर्ण मिलकर दलितों का उत्पीड़न शोषण करते रहे थे, और ये आज की राजनीति में भी साफ नजर आ रहा है, वो अल्पसंख्यक हों या दलित हों। तो मुलायम सिंह जी के
पैरों तले जमीन खिसक रही है वाली बात नहीं है, यदि उस मुहावरे को आगे बढ़ाए तो जमीन खिसक चुकी है। उनका सौभाग्य है कि अखिलेश जितने बड़े बहुमत से जीते थे, 2-2.5 वर्ष तक वो कम से कम निरापद उत्तर प्रदेश में हैं, मगर आने वाले किसी चुनाव में उनकी कोई हस्ती है ये मानना कोई नादान ही कर सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके की जो मतलब प्रदर्शन देखने को मिली हाल के चुनावों में उत्तर प्रदेश में, 73 सीटों का जो लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने स्कोर खड़ा किया, क्या कोई खतरे की घंटी होगी अगर कभी ऐसा मुमकिन हुआ इन लोगों के एक साथ आने से? मैं ये समझता हूं कि इनके एकजुट होने से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरे की स्थिति का निर्माण नहीं होगा। इन्होंने 10 साल तक यूपीए 2 सरकार को दिल्ली में चलाया, समर्थन दिया, सीबीआई के डर से समर्थन दिया, और उस यूपीए 2 की सरकार ने देश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया और लूटा। उसके कारण, उसके पापों के बोझ से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी हश हुआ। अभी ऐसी कौन सी नई बात हो गई कि उन दोनों के उस समय के पापों का परिमार्जन हो गया, या उस समय की जो भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार का समर्थन देने का दुष्प्रभाव, उससे ये दोनों पार्टियां मुक्त हो गई? मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तेजी के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, मैं अगर एक लाइन में कहूं कि स्पष्ट बहुमत की सरकार होते हुए भी भविष्य में आसन्न पराजय को मुलायम सिंह जी ने स्वीकार कर लिया है इस प्रस्ताव को स्वीकार करके। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आपको नहीं लगता कि जब वापस यू टर्न का सवाल है, लक्ष्मीकांत जी आपको नहीं लगता कि अगर बिहार में जेडीयू और आरजेडी आज की तारीख में एक साथ आ रहे हैं, या फिर क्षेत्रीय दल अगर एक साथ आने की कोशिश करे, क्या वो घेरेबंदी कर पाएंगे बीजेपी की? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। अब केंद्र के बदलाव के बाद जब राज्यों में बदलाव की बात आएगी और इन भ्रष्ट सरकारों को, खराब कानून व्यवस्था की जनक सरकारों का परिवर्तन का सवाल आएगा, तो इस गठबंधन से जनता और चिढ़ेगी और ये कहेगी कि हमारे मत का दुरुपयोग करने के लिए एक नापाक गठबंधन किया गया है, हम इस गठबंधन को भी शिकस्त देंगे। चौधरी साहिब सिंह जी, मैं दूसरे सवालों को शामिल करने के पहले एक बार चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा कि भाई एक बार जो एक तरीके से हामी भरी, वो कहीं ना कहीं एक इशारा करता है आने वाले दिनों के लिए कि किस तरीके से बुगाहट भी है। देखिए, मैं इस पर कहना चाहता हूं, जहां तक सवाल है, जहां तक मुलायम सिंह जी के बयान को लेकर जिस तरह की बात की जा रही है, मैं कहना हूं कि मुलायम सिंह जी ने तो कोई प्रस्ताव नहीं रखा, उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, लालू जी ने कोई बात कही, उन्होंने बड़प्पन में यदि कह दिया ऐसा हो सकता है तो चलो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हम भी उसका समर्थन कर सकते हैं देश के स्तर पर, तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिस तरीके से मान लिया इस मामले को जो है सुदीन भदौरिया जी या आदरणीय वाजपेयी जी जिस तरीके से इस मामले को कह रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को आगे आके पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी अपने आप में पूरे तरीके से मजबूत है, जनता में समाजवादी पार्टी का पूरा विश्वास और साख है, और जो है समाजवादी पार्टी किसी की मोहताज नहीं है, समाजवादी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी अपनी ताकत पर जो है काम करेगी। पुष्पेश जी, आप इस आकलन को मानते हैं कि बड़ी मासूमियत से या जो है सिर्फ बड़प्पन दिखा दिया जब एक प्रस्ताव लालू प्रसाद यादव लेकर आ गए तो नेताजी ने कह दिया ठीक है अगर ऐसा होता है तो हम इस पर गौर कर लेंगे, इतनी मासूमियत से देख सकते हैं कि हम इसे? वो देश के स्तर की बात थी, वो उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि दुर्भाग्य ये है कि नेताजी बहुत बड़े नेता हैं, मगर अपना बड़प्पन वो गंवा चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत नजर आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, ये बात सच है, मगर तब से आज तक का जो उनका पराक्रम रहा है, जो उनका कार्यकाल रहा है, उससे मोहभंग लगभग पूरी तरह न केवल उत्तर प्रदेश के मतदाता का, बाकी देश के मतदाता का हो गया है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश के एक बड़े समाजवादी नेता, जो कद्दावर राष्ट्रीय नेता थे, आज वो सिमट कर अपने जिला और क्षेत्र के नेता भर रह गए हैं, बाकी अपने सूबे में भी उनकी पहचान नेताजी वाली नहीं रह गई है। एक समय था जब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो कहते रहे कि अब उन्हें किसी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, मगर कहीं ना कहीं उन्हें ठुकराया गया है, ये बात उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, उनको या उनके समर्थकों को भी। चलिए, इस पर जो है हम आगे भी चर्चा को और बढ़ाएंगे। इस वक्त पटना से शेखर कुशवाहा ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं शेखर। महागठबंधन की बात कर रहे लालू प्रसाद यादव,
क्या मायावती का ये जो जवाब उत्तर प्रदेश से आया है उससे क्या इस गठबंधन का भविष्य तय होता है? क्या दिखता है इस गठबंधन का भविष्य? तो दिल्ली से सुधीर डाबर ने भी सवाल पूछा है, सुनते हैं क्या कहना उनका। हमारे देश में जो मौके की राजनीति चल रही है, जो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी भी साथ होते हैं फिर कभी इकट्ठे आ जाते हैं, ये कब खत्म होगी? और सब जो देशभक्ति या देश के लिए लोग कब एकजुट होकर पार्टियां काम करेंगी, ये सब हम जानना चाहते हैं। और ट्विटर पर चंद्रशेखर सिंह ने लिखा है कि बीजेपी पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन यहां तो उसने धुर विरोधियों को एक कर दिया है। वहीं ट्विटर पर रोहित भारती ने भी लिखा है कि वोट बैंक की राजनीति में नेता अपनी मर्जी से दोस्ती करते और तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें जनता की नाराजगी का खौफ नहीं होता है। सुरेंद्र भदौरिया जी, चलिए मान लिया कि आप जो है आपकी नेता ने कह दिया कि हम गठबंधन का सवाल ही नहीं बनता है सपा के साथ में, लेकिन फिर भी बीजेपी की तो एक चुनौती बनी हुई है, या कहीं उम्मीद है कि भाई पैसे पिछली सरकारों में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था वैसी दरवाजे आज की तारीख में खुली हुई हो सकती है? देखिए, आप उत्तर प्रदेश का जो संदर्भ समझेंगी तो आप ये मानेंगी इस बात को कि पिछले 5 वर्ष की आप वहां के चुनाव के परिणाम ही देख लीजिए। लोकसभा के चुनाव के अंदर 5 वर्ष पहले जब चुनाव हुआ तो बीजेपी चौथे नंबर पर थी, और फिर जब अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में 2012 में, उस समय भी बीजेपी को 14% वोट मिला। पर इस बार लोकसभा के अंदर इन 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, अगर हम अपने नीति सिद्धांत और हम अपनी निष्ठाओं पर ठीक खड़े उतरेंगे तो देश की जनता हो या उत्तर प्रदेश की जनता, वो हमेशा साथ देगी। आज भी मैं ये कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर भी तीसरे नंबर की ताकत है, 4.1% वोट आप कह रही हैं। जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां जीत के गई हैं बीजेपी और कांग्रेस के बाद, बीएसपी के जितना उनको वोट नहीं मिला, तो हमें उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर जन समर्थन मिला हुआ है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी जिस तरह से छटपटा रहे हैं, क्योंकि जैसा पुष्पेश पंत जी जो हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने से राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी समझा है और वहां की राजनीति की नब्ज पर हाथ भी रखा हुआ है। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो उन्होंने विश्लेषण दिया है वो सही है, मुलायम सिंह जी एकदम हाशिए पर हैं, समाप्त हो जाएंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी को लोग एक कुशल प्रशासक, ऐसे व्यक्ति जिसके यहाँ सामाजिक सौहार्द रहता है और वहां पर सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। आप जो बहन मायावती जी को जो है एक उनकी गवर्नेंस के लिए उनकी तारीफें कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपको लगता है कि बहन मायावती जो है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बन सकती है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुधीन जी जो गीत गा रहे हैं, सुधीन जी जो मंडत कर रहे हैं, कुछ दिन पूर्व लोकसभा चुनाव और उसका परिणाम सामने है। अरे अभी तो 2 साल भी नहीं हुआ कि जनता ने नकारात्मक तरीके से जो बसपा की सरकार में परिवर्तन की संभावना देख रही है, क्या क्या जो है भ्रष्टाचार और क्या क्या चाहता हूँ नहीं हुआ, अब सुशासन और विकास के ढांचे को बढ़ाना चाहती है, उस नारे पर आगे बढ़ना चाहती है। जातिवाद की राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है और उत्तर प्रदेश के खराब होती हुई दशा से चिंतित है, इसलिए आदरणीय मोदी जी ने जो दिशा देश को दिखाई है उसी लाइन पर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जब चलेगी तो ये लाख गठबंधन कर ले या गठबंधन ना करें ये तो इनका अपना काम है। चलिए, आपको लगता है कि गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? गठबंधन इनकी हताशा का परिचायक है, कोई स्वस्थ सोच नहीं। लक्ष्मीकांत जी, आप इसे हताशा बता रहे हैं। पुष्पेश पंत जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। इस देश में हमने कई तरह के गठबंधन को होते हुए देखा है दशकों से, लेफ्ट और राइट ने भी कहीं ना कहीं तालमेल बिठाया विचारधाराओं को दरकिनार करके पिछली सरकारों में, ऐसे में नतीजे भले कुछ निकले या ना निकले इस गठबंधन, लेकिन क्या कभी मुमकिन हो सकता है कि सपा और बसपा के ये दोनों नेता एक साथ एक मंच पर आ सके?
देखिए दोनों से एक साथ समर्थन यूपीए को दे रहे थे, मगर गठबंधन की बात संभावना तो मायावती जी ने आज स्पष्टता नकार दी है। मुझे लगता है हम इस सारी चर्चा में एक चीज और भूल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संसद में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसकी कोई औकात, कोई हस्ती, कोई हैसियत आज उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। तो जो कांग्रेस का मतदाता था और जो भाजपा का विरोधी है पैदाइशी, वो कहीं ना कहीं तो अपना मत देगा। और मुलायम सिंह जी सत्तारूढ़ हैं, वो उनका इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ है, उनका कुशासन पार्टी का उसके खिलाफ है। मुझे लगता है उसका लाभ मायावती जी को मिलेगा। और हम ये मानकर क्यों चल रहे हैं कि मायावती का और बसपा का एक मुठभेड़ का ही रिश्ता बना रहेगा भाजपा के साथ। चलिए बिल्कुल, जो जरूरी बात है कि वहां पर जो है दूसरे गठबंधन के संभावनाओं के ऊपर भी जो नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधींद्र जी आपका, चौधरी साहिब सिंह, साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रोफेसर पुष्पेश पंत आपका जुड़ने के लिए इस प्रश्न काल में। बात आज सवाल पर SMS के जरिए मेरे लोगों की राय की, हमने सवाल पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कट्टर दुश्मनों का गठबंधन मौका परस्ती है। आप में से 86% लोगों ने हां में जवाब दिया, जबकि 14% लोग ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसी बात है, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि राजनीति में एक सप्ताह भी जो है बहुत ज्यादा वक्त होता है। कब क्या हो जाए, क्या मोड़ ले ले, क्या नए गठबंधन बने, कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये सिर्फ मुलायम या मायावती के एक साथ मंच पर आने की बात नहीं है, बल्कि दूसरे दलों के साथ भी जो है क्या कुछ गठजोड़ की संभावना है उस पर भी नजर बनी रहेंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे एक और प्रश्नकाल में कुछ नए मुद्दे और तीखे सवालों के साथ।